हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा वायरलेस माइक जो है वो खराब हो गया था, फिलहाल मैंने नया वायरलेस माइक मंगा लिया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को सारी जानकारी देते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैंने माइक मंगाया था, जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मेरा माइक खराब हो गया है, उसकी वजह से वॉइस का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। मैं जैसे तैसे अभी तक काम चला रहा था, करीब एक से डेढ़ महीने हो गए खराब हुए माइक। तो फिलहाल अभी मैंने ग्रेनारो का ये एक दूसरा माइक है S9 करके, इसको मंगाया है और इसकी अनबॉक्सिंग सबसे पहले कर लेते हैं। अभी ये जो है पूरा सिरिंक है, मैंने बॉक्स वगैरह हटा दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, मतलब उसमें एड्रेस वगैरह आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है, तो यहाँ का मैं एड्रेस रिवील नहीं करना चाहता था क्योंकि लोग जो है फिर आने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। बाकी यहाँ पे क्या है भाई, ये जो है कुछ इस तरह से माइक है, ये अगर आप लोग देख सकते हो। बाकी ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन है, S9 मॉडल है इसका, और यहाँ पे कुछ बहुत दिया हुआ है कि आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी में भी यूज कर सकते हो, इंटरव्यू में यूज कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग में भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है इसमें, स्पेसिफिकेशन भी बहुत सारा दिया हुआ है इसमें, तो काफ़ी ठीक ठाक मेरे को लगा ये, इसके लिए मैंने ले लिया। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये जिस प्राइस में आ रहा है ना, वो प्राइस जो है भाई उस प्राइस में ठीक ठाक जो है ये माइक मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है। कितने का पड़ा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग बाय कर लीजिएगा बाद में। सबसे पहले इसका रिव्यू करते हैं किस तरह से है पूरा ये माइक, कैसी क्या क्वालिटी है और कैसा क्या देखने को मिलता है वो भी मैं दिखाऊंगा। मैग्नेटिक वाला जो है इसमें केस वगैरह नहीं आता है, बट मैग्नेटिक होता है, आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो चार्जिंग पे, ऐसे ही गिरता इरता नहीं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें पीछे जो है दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2402 हर्ट्ज़ से दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 हर्ट्ज़ की जो है फ्रिक्वेंसी रेंज है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है। और चार्जिंग टाइम जो है वो दिया हुआ है एक से डेढ़ घंटे का चार्जिंग टाइम है, मतलब डेढ़ घंटे में जो है आपका जो है ये ट्रांसमीटर भी चार्ज हो जाता है, और डेढ़ घंटे में जो है जो इसके साथ में बैटरी बैकअप दिया हुआ है वो भी चार्ज हो जाता है। 250 mAh का जो है इसके साथ जो है चार्जिंग केस मिल जाता है, तो ठीक है भाई कि अगर इमरजेंसी में आप जाते हो, आपका चार्जिंग केस चार्ज है तो आपका काम चल जाएगा, वीडियो वगैरह सारे कुछ बन जाएंगे। और बैटरी बैकअप जो है वो दिया हुआ है इसमें 10 घंटे का, 10 घंटे का बैट मतलब नहीं है, 10 घंटे का है चार्जिंग केस के साथ, मतलब चार्जिंग केस अगर आपको ले जाते हो 10 घंटा बहुत ज़्यादा होता है भाई, इतना ज़्यादा कौन यूज करता है, बहुत ज़्यादा खींच के तो भाई वीडियो बनाते हैं, चलो 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो बनाना है तो 40 मिनट यूज कर लिया, 10 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लान चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अनबॉक्स करता हूँ सबसे पहले। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही खोल ले रहा हूँ क्योंकि एक नाखून मैंने बड़ा कर रखा है, ये खुल गया भाई। और रिफंडेबल भी है, मतलब 7 दिन के अंदर मैं 10 दिन के अंदर इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ अगर मेरे को नहीं पसंद आता है। फिलहाल पहले से ही देख रहे हो वारंटी कार्ड भाई, ऐसे ही बिना खोले ही निकल गया, तो वारंटी कार्ड जो है वो इसमें मिलता है, और वारंटी इसकी जो है 1 साल की है। सबसे पहले ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करते ही ये कुछ इस तरह से कर दिया मैंने, ये सबसे पहले ऊपर रखा होता है वारंटी कार्ड, जो कि आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ये वारंटी कार्ड वगैरह जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद जो है अंदर चलते हैं, तो कुछ इस तरह से जो है अंदर देखने के लिए मिल रहा है, रखा हुआ है सारा कुछ। सबसे पहले हम निकालते हैं अपना ये बॉक्स, इस बॉक्स में डाटा केबल वगैरह सारा कुछ जो है वो दिया होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो मिलती है वो मैं बाद में खोलता हूँ। इसके पहले एक साइड में इसको भी निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर ये दिया हुआ है यूजर मैनुअल वगैरह जो है दिया हुआ है, तो इसका आपको कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, तो ये यहाँ पर रख दिया मैंने, और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। वारंटी कार्ड मेरे को ज़रूरत है अभी, उसको जो है रख लेता हूँ, इसमें देख लेता हूँ मैं कितना दिया हुआ मेरे को वारंटी, वैसे तो मेरे को उसमें देखा था शायद 1 साल का है, तो ये रखा हुआ है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे फॉर्म से निकाल लेता हूँ, इसको भी रख देता हूँ। अभी सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, इस बॉक्स में क्या है, तो इस बॉक्स को ओपन करने पर जो है हमको देखो क्या क्या मिलता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्वालिटी कैसी है वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई हो, अरे भाई ये देखो, ये जो है ये सी टाइप की डाटा केबल मिल रही है, ठीक ठाक क्वालिटी है, उतना भी ज़्यादा खास क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही मेरे को, लेकिन काम चलेगा चार्जिंग वगैरह पे, इमरजेंसी पे पावर बैंक के साथ में इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल चार्ज करने पे और इसको चार्ज करने पे। ये यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये छोटा सा इसमें भाई दिया हुआ है,
मेरा मेरे को देखने में तो बड़ा सा लग रहा था कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल छोटू सा है। मतलब वही ज़्यादा वैसा बड़ा नहीं दिख रहा कि हाँ आप लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल छोटू सा है। तो ये देखो, ये हो गए एक ट्रांसमीटर है, ये है दूसरा ट्रांसमीटर जो कि ऐसे ही आप लगा सकते हो। इसमें मतलब चार्जिंग केस की ज़रूरत वैसे वाली नहीं है, बंद करने वाली, ऐसे डायरेक्ट चार्ज होने लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो एक ये जो है आईफोन के लिए दिया हुआ है, इसको मैं आईफोन में भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये चिपक गया। और एक जो है अपना सी टाइप का है, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब अगर जिसके पास आईफोन है तो वो वाला यूज करेगा, ये वाला भी यूज कर सकते हो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो दोनों दिए हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है भाई, इसमें देखो अलग 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 भाई रिसीवर दे रखे हैं, ये एक बढ़िया चीज़ दिया हुआ है इसमें। इसके लिए मैंने और मंगा लिया भाई, कभी 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 अगर आई फोन लेंगे तो भाई काम देगा, या फिर कोई दोस्त वगैरह ऐसा होता है वीडियो बनाने चल देता है साथ में, उसके पास नहीं रहता है तो यूज में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ मैं, और इसको भी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले एक ही यूज कर लें कि दोनों यूज करके देखता हूँ, एक ही यूज करके देखता हूँ, पता चल जाएगा कि कैसा क्या है। यहाँ से ये रिसीवर निकाल लेता हूँ, और चार्जिंग केस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, छोटा सा है। और इसको मैं बोलता हूँ भी रश्मि से इन्वाइट करने के लिए, सबसे पहले मैं इसको चालू कर लेता हूँ। अभी इसमें दिया हुआ है तीन तीन चीज़ें इसमें दी हुई है। अभी सबसे पहले हम ऑन करते हैं, तो ये अभी देख सकते हो ऑन हो चुका है हमारा, अभी कनेक्ट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसको रिसीवर को लगाया नहीं है, ट्रांसमीटर हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ पर अभी इसको लगाएंगे, इसके पहले मैं इसमें थोड़ा जो है देख लेता हूँ कैसा क्या है, क्योंकि मेरे को भी अभी इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार अगर बटन दबाता हूँ, इसको पहले लगा लेता हूँ, तभी जो है नॉइस कैंसिलेशन शायद चालू होगा। तो रश्मि से बोला हूँ इसको इनबिल्ड कर दो, लाइव ही सारा कुछ मैं कर दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं रहेगा। नहीं लग रहा है, माइक लगा हुआ है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं जो है इसको इनबिल्ड करता हूँ, फिर इसके बाद चेक करता हूँ कि कैसी क्या क्वालिटी है। दोस्तों फिलहाल अभी सेटअप करने के बाद हमारा माइक जो है वो तैयार हो गया। अभी यहाँ पर मैंने जो है जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे यूट्यूब के वीडियो के लिए, वैसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वॉइस को फुल कर रखा है कि पूरी रिकॉर्ड जो हो वॉइस, और यहाँ पे ऊपर पंखा भी चल रहा है ताकि अगर आप लोगों को जो है ऐसा लगे कि नॉइस कैंसिलेशन कैसा है तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। नॉइस कैंसिलेशन का मोड मैंने एक्टिव कर रखा है, एक ही मोड दिया हुआ है वो कि जो जो भी आप लोग जो है डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, और जब आप ऑन करोगे डायरेक्ट जो है नॉइस कैंसिलेशन चालू ही हो जाता है। इसको बंद भी कर सकते हो अगर बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो। एक बार मैं बंद करके भी आप लोगों को शायद दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो है नॉइस कैंसिलेशन कैसा चल रहा है। यहाँ पे अगर देखते तो ये बटन दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं सामने की साइड पे, यहाँ पे 3 बार टैप करना है, 1 2। तो वापस से फिर से जो है नॉइस कैंसिलेशन का जो है वो चालू हो गया है, और कुछ इस तरह से जो वॉइस वगैरह वो रिकॉर्ड हो रही है। आप लोगों को क्वालिटी वगैरह देखकर खुद पता चल जाएगा। मैं भी ये वीडियो जो है देखूंगा एडिटिंग के दौरान, तभी जो है मुझे भी पता चल पाएगा कि कैसी क्या है। बाकी आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से, बाकी वीडियो वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को मतलब पता चल ही जाएगा कि कैसी क्या क्वालिटी आ रही है। इसलिए मैंने भी मंगाया है कि भाई अगर ठीक ठाक जो है रिस्पॉन्स रहता है इसका भी, क्योंकि गिरनारों का मैंने पहले भी मंगाया है तो उसकी क्वालिटी ठीक ठाक थी, आवाज़ भी बढ़िया रिकॉर्ड हो रही थी, बट जो है वो चला ठीक ठाक, 6 7 8 महीने चल गया, बहुत है रुपया वसूल हो गए उसके। बाकी आप लोगों को ये भी देखो उतना ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, प्राइस इसका जो है वो है मेरे को जो पड़ा हुआ है वो 1326 रुपया ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। तो 1300 रुपये के आसपास का ये माइक है, जिसमें से आप लोगों को 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, 2 रिसीवर मिलते हैं, एक आईफोन के लिए, एक जो है अपना सी टाइप पोर्ट के लिए। बाकी इसके साथ और कनेक्टर वगैरह नहीं है कि जिसे आप जो है माइक्रो जो USB पोर्ट होता है उसमें जो है यूज कर सको या फिर और कहीं पे भी यूज कर सको। और इसके साथ मैं आप लोगों को बोल दूं कि नॉइस कैंसिलेशन सिर्फ एक ही मोड मिलता है, यहाँ पे 3 मोड जो है नॉइस कैंसिलेशन के नहीं मिल रहे हैं, बाकी आपको 2 रिसीवर अलग अलग मिल जाते हैं, आईफोन का अलग रहता है और सी टाइप का अलग रहता है, 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं, रुपया भी देख सकते हो आप, बजट भी कम है। और जो चार्जिंग केस है उसके साथ में बैटरी बैकअप मिल जाता है 10 घंटे का, बाकी वैसे 6 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप है एक जो है ट्रांसमीटर का। तो अगर आप अलग अलग ट्रांसमीटर यूज करोगे तो 6 6 12 रख लो, और चार्जिंग केस का रख लो करीब जो है अलग से, तो
मतलब अगर आप लोग एक ट्रांसमीटर ही यूज करो तो आराम से पूरा दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से पूरा दिन निकल जाएगा। बाकी अगर आप दोनों ट्रांसमीटर यूज करो तो 10 घंटे का बैटरी बैकअप है पूरा चार्जिंग केस के साथ में। बाकी प्राइस वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेना है या नहीं लेना है अभी मैं नहीं बोलूंगा। वैसे आप लेना चाहते हो तो लेकर आप भी ट्राई कर सकते हो, रिफंडेबल है अमाउंट। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है 10 दिन के अंदर इसको जो है रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप जो है नहीं ले सकते हो, इसको जो है रिटर्न कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया है, साथ में दिखा दिया कि किस तरह से ये पूरा जो है प्रोडक्ट है, कैसा क्या आवाज है, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई कमेंट्स वगैरह है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर, अपना ख्याल रखिएगा।